वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक गुड न्यूज खुशखबरी है साथियों, ये है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। झारखंड से निकली है केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी और अच्छी खासी सीटें हैं और नो एग्जाम वनली इंटरव्यू, सैलरी 27,500 तक की सैलरी भी है। 27,500 कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी बहाली होगी और इंटरव्यू का जो डेट है 22 और 23 मार्च 2023 को है। इस दिन आपको इंटरव्यू के लिए बस जाना है, अपने आवश्यक सभी कागजात को लेकर चल जाना है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। कौन कौन से पद पर वैकेंसी निकली, पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, प्राइमरी टीचर, यानी आप प्लस टू में पढ़ाना चाहते हैं उसका भी अवसर है, हाई स्कूल में पढ़ना चाहते हैं टीजीटी टीचर बन के पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो पीआरटी टीचर बन के पढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन झारखंड के कहाँ से निकली है। केंद्रीय विद्यालय दुमका, दुमका जो कि झारखंड की उपराजधानी है और यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय खुला है, उस दुमका के केंद्रीय विद्यालय से वॉक इन इंटरव्यू प्रत्यक्ष साक्षात्कार का नोटिफिकेशन निकाला गया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित विषयों के अंशकालिक यानी संविदा शिक्षकों की चयन सूची तैयार करने हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 22/3/2023 और 23/3/2023 को आयोजित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि को साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं करना है, आपको सीधे जाके डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाना है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सब पहले डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना होगा। उसका डेट है 1 मार्च 2023 से 20 मार्च 2023 तक, ताकि वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं आप जो इंटरव्यू के लिए आएंगे उनका समुचित व्यवस्था हो सके। और इंटरव्यू 2 दिन होगा, 22 मार्च और 23 मार्च को, और 1 मार्च से लेकर 20 मार्च, अभी जैसे आज 3 मार्च है, आप आज भी जाके रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। और साक्षात्कार का समय 9:00 बजे होगा और किस किस विषय से वैकेंसी आई आप ये भी देख लें। जो टीजीटी टीचर्स है वहाँ पे ये सारे विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, और जो पीजीटी टीचर है वहाँ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी और रसायन। इसी प्रकार विशेष से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ने टीजीटी विज्ञान का भी पोस्ट है, पीजीटी जीव विज्ञान का भी पोस्ट है, टीजीटी संस्कृत, इसके अलावा प्राइमरी टीचर पीआरटी, विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर वो भी चाहिए, और काउंसलर परामर्शदाता, इनकी भी वैकेंसी निकली हुई है। और इन सारे पदों के लिए वैकेंसी का जो इंटरव्यू का डेट है वो 23 को है और इन सारे विषयों के लिए जो इंटरव्यू का डेट है वो 22 मार्च को है। अगर आप कुछ और भी ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं, ये दुमका केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे dumka.kbs.ac.in, यहाँ पर जाके देख सकते हैं dumka.kbs.ac.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है दुमका केंद्रीय विद्यालय का, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया, विशेष जानकारी के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं। तो देखते हैं और भी वैकेंसी के बारे में डिटेल इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले पीजीटी टीचर के बारे में बताया गया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आप प्लस टू के अगर में पढ़ना चाहते हो आपके लिए सुनहरा अवसर है। यहाँ पे योग्यता क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप किए हैं तो वहाँ से भी, अगर आप एमएससी किए हैं इन सारे किसी में भी किसी विषय में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड में आपको अलग से बीएड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पुराने कोर्स से किए हैं तो आपके पास 50% मार्क के साथ, एग्रीगेट मार्क के साथ, ये सारे जो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, इन सारे में से जिस विषय में अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क के साथ आप क्वालिफाई हों। इसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और आप टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टीचिंग करने में सक्षम हो, आपके लिए योग्यता मांगी गई है। लेकिन ये कहने की है, आप डरे नहीं, अगर आप इंग्लिश से नहीं भी करा पाते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे टीचर नियुक्त हुए हैं जो सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके चलते आपको कह सकते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये सोच के आप भरेंगे ही नहीं, नहीं, हर जगह जहाँ से भी निकलते, जहाँ हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है वहाँ भी लिखा जाता है आज के समय में, उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, आप बिल्कुल अप्लाई करें। और कौन कौन से विषय हैं, देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जीव विज्ञान, गणित, और सबके लिए यहाँ पर योग्यताएँ दी गई, आप इसे देख लेंगे। इसके लिए प्राथमिक शिक्षक में भी है, प्राथमिक शिक्षक में क्या क्या आपको चाहिए, प्राथमिक शिक्षक में आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटर होना चाहिए
50% मार्क के साथ। इसके साथ आप सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए और डीएलएड आपका होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ भी लिखा है प्रोफेंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इसको आप देख के डरना नहीं है, आप ज़रूर अप्लाई करें। सीटेट और आपके पास अगर इंटर की डिग्री है तो आप अप्लाई करें। इसी तरह कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर टीजीटी लेवल का पोस्ट है, यहाँ भी सैलरी आपकी 26,250 बन रही है। इसी प्रकार विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर, यहाँ भी आपका 21,250 की सैलरी है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, किसी में इस बहुत सारी दी गई योग्यताएं में इसमें से कोई भी आपके पास एक होनी चाहिए। पहला देखते हैं 12th पास्ट एंड 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं दिव्यांग बच्चे उनके लिए पढ़ाने के लिए जो विशेष आपका डीएलएड की डिग्री होती है वो आपके पास होना चाहिए। विशेष शिक्षक के रूप में आपकी गिनती होगी। इसी प्रकार ये सारे डिग्री में से कोई एक होना चाहिए। काउंसलर परामर्शदाता में बीए बीएससी साइकोलॉजी विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, काउंसलिंग की भी आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ भी सैलरी 26,250 है। तो इन सभी पदों के लिए विज्ञापन निकला हुआ है और इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, बस आपको इंटरव्यू फेस करना है, वॉक इन इंटरव्यू है। और दुमका केंद्रीय विद्यालय भी नया नया विद्यालय बना है और आप यहाँ पे पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये था साथियों इम्पोर्टेंट अपडेट्स। इसी प्रकार आगे अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें यहाँ, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल।